हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं यूनिवर्सल गूगल कैमरा के बारे में। तो यहाँ पर BSG करके डेवलपर की तरफ से गूगल कैमरा के एक नया वर्जन को रिलीज किया गया है। तो ये जो GCam है, हमने यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल किया है। ये जो गूगल कैमरा है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम कर जाएगा, Android 10, Android 11, Android 12, सभी के साथ जो GCam है काम करेगा। एंड यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस के ऊपर हमने जो है Android 12 को इंस्टॉल किया है। काफी बढ़िया बात है। Android 12 के साथ जो है जो मोनेट का ऑप्शन है, जो वॉलपेपर बेस्ड सेविंग सिस्टम को जो ऑप्शन से काम करेगा गूगल कैमरा 8.4 के साथ। यहाँ पर देख पाओगे आप इन्फो के ऊपर गूगल कैमरा 8.4.400 ऑलमोस्ट जो लेटेस्ट वर्जन है, हमने यहाँ पर गूगल कैमरा 8.4 के यहाँ पर इंस्टॉल किया है रेबोनोट 7 डिवाइस के ऊपर। बेसिकली जो GCam है तो ऑलमोस्ट सभी डिवाइस पर काम करेगा, यूनिवर्सल गूगल कैमरा है, काफी बढ़िया बात है। काफी स्टेबल है, डेफिनेटली आप अपने डिवाइस को इस GCam को यूज कर सकते हो, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें यहाँ पर फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर ढेर सारी जो है यहाँ पर फीचर्स को ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर BSG का गूगल कैमरा 8.4 का वर्जन 4 है, इससे पहले जो है वर्जन 3 अवेलेबल हुआ था। अगर आप वर्जन 3 का वीडियो देखना चाहते हो तो सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वो आप जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। एंड इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस गूगल कैमरे को डाउनलोड कर लीजिएगा आपके फोन के ऊपर। एंड Android 10, Android 11, Android 12 सभी डिवाइस के साथ जो GCam में काम करेगा। प्लस आपके डिवाइस के ऊपर जो है कैमरा टू API इनेबल होना चाहिए, कैमरा टू API के साथ जो है Level 3 एंड फुल का सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके डिवाइस के ऊपर Level 3 और फुल का सपोर्ट है तभी दोस्तों जो GCam में काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। यहाँ पर वर्जन 4 के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस को ऐड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर जो है नाइट मोड के ऊपर जो है फ्रेम को ऐड किया गया है, तो आप जो है नाइट मोड के साथ जो है और भी बढ़िया फोटो को क्लिक कर पाओगे। कुछ डिवाइस को जो GCam में काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है वर्जन 4 के साथ। प्लस Android 12 के साथ जो है मोनेट का जो ऑप्शन है वो भी काम करेगा, काफी बढ़िया बात है। तो यहाँ पर कैमरा के ऊपर जो है फ्लैश का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑटो नाइट साइड मोड को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर NS मोड को ऐड किया गया है, HDR NS मोड काम करेगा। तो यहाँ पर ऑन ऑफ प्लस HDR NS मोड का जो ऑप्शन इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर HDR प्लस भी काम कर जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है HDR NS मोड के ऊपर जो है फ्रेम कब सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर जो है HDR NS मोड के ऊपर जो है फ्रेम को सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो है यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन से बाय डिफॉल्ट जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से इनेबल नहीं रहता है। एंड यहाँ पर जो मोशन फोटोज और जो टॉप शॉट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। एंड यहाँ पर जो जूम करने का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस जो एक्सप्लोर है इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो है आप शेडो एंड ब्राइटनेस को कंट्रोल कर पाओगे। प्लस यहाँ पर जो रिसेट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, जो फोकस ट्रैकिंग है वो भी काम कर रहा है इस बिल्ड के ऊपर। तो यहाँ पर कैमरे के ऊपर जो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है वो भी काम करेगा। एंड यहाँ पर डबल टैप करने से जूम का जो ऑप्शन से काम करता है। बाय डिफॉल्ट जो है 8x तक जूम करने का ऑप्शन है, एंड वीडियो के ऊपर जो है 5x तक जूम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ये सभी ऑप्शंस को ऐड किया गया है। वीडियो के ऊपर जो है फुल HD 4K का ऑप्शन है, तो यहाँ पर 30fps, 60fps, 24fps एंड ऑटो fps का जो ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। एंड वीडियो जो है यहाँ पर काम करता है नॉइस वाटर। प्लस जो वीडियो स्टेबलेशन से वो भी काम करेगा, तो यहाँ पर वीडियो के ऊपर जो वीडियो स्टेबलेशन से वो भी काम करता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टाइम लैप्स की अगर बात करें तो 1x, 5x, 10x का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर टाइम लैप्स मोड जो है वो भी काम कर जाएगा। देख सकते हो जो टाइम लैप्स मोड है वो भी काम कर रहा है, तो टाइम लैप्स के साथ कोई भी इशू नहीं है। एंड यहाँ पर जो सोशल शेयर का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। इस GCam को यूज करके जो है 4K के साथ जो है टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, बट आपके डिवाइस को जो है 4K टाइम लैप्स का जो है सपोर्ट होना चाहिए। तो रेबोनोट 7 डिवाइस के साथ जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा, तो यहाँ पर आपके डिवाइस के ऊपर जो स्लो मोशन का ऑप्शन से काम कर सकते हैं, बट यहाँ पर रेबोनोट 7 डिवाइस के साथ जो स्लो मोशन का ऑप्शन से काम नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो पैनोरामा एंड फोटो एक्सपर का मोड है ऐड किया गया है। अगर आप 360 फोटो क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो एक्सपर मोड है इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें तो पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है फ्लैश का ऑप्शन है, प्लस ऑटो वाइट बैलेंस को ऐड किया गया है, HDR मोड का ऑप्शन है, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है HDR NS मोड भी काम करेगा। प्लस यहाँ पर जो है फेस रिटचिंग को ऐड किया गया है, फ्रेम्स HDR NS मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो नाइट मोड है, नाइट मोड के ऊपर जो है यहाँ पर डेडिकेटेड जो एस्ट्रो फोटोग्राफी बटन है ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो है एस्ट्रो मोड के ऊपर जो है ऑलवेज ऑन का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, प्लस ऑटो ऑन ऑफ प्लस ऑलवेज ऑन का ऑप्शन है, ऑटो वाइट बैलेंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है नाइट मोड के ऊपर और नाइट साइड मोड के ऊपर जो है HDR NS मोड का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, तो आप सिंपली जो है यहाँ पर HDR NS मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट आपको फोटो के ऊपर आपको काफी अच्छा क्वालिटी देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो रॉ फोटोज का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है, फोकस के ऊपर, ऑटो, नियर, फार, ये सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। तो डेफिनेटली इस GCam को ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। यहाँ पर हमने जो कुछ फोटो को क्लिक किया है रेबोनोट 7 डिवाइस के साथ, एंड देख पाओगे यहाँ पर जो है फोटो क्वालिटी कुछ ऐसा आपको देने को मिलेगा। यहाँ पर जो है काफी बढ़िया आपको यहाँ पर जो है ओवरऑल फोटो देने को मिलेगा। बस सभी जो फोटो है दोस्तों यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो है, डेफिनेटली आप इस GCam के साथ काफी अच्छा फोटो को क्लिक कर पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कलर है काफी ज्यादा नेचुरल कलर आपको देने को मिलेगा, जो सैचुरेशन वो भी काफी बढ़िया है। प्लस जो HDR NS मोड है वो भी काफी बढ़िया काम करते हैं। यहाँ पर जो ऑटो वाइट बैलेंस है वो भी काफी बढ़िया काम कर जाएगा, नो इश्यू एट ऑल। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस GCam का जो डाउनलोड लिंक देने को मिलेगा, वो आप जाके इस गूगल कैमरे को डाउनलोड करके आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। एंड
अगर आपके डिवाइस को रेजुके में काम नहीं कर रहा है तो डिफिनेटली आप जो है और कोई गूगल कैमरा का जो वर्सन है उसे आप ट्राई करके देख सकते हो। यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के ऊपर नाइट मोड, पोर्ट्रेट कैमरा, वीडियो, यहाँ पर टाइम लैप्स प्लस जो है फोटो एक्सपर्ट मोड, ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करेगा, बट रेडमी नोट 7 डिवाइस को जो है स्लो मोशन का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है। एंड यहाँ पर जो है इंटरफेस एंड मॉडल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 6 ए, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पिक्सल 6 ए, पिक्सल 7, पिक्सल 7 प्रो के ऊपर कोई भी नया ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर हम यहाँ पर पिक्सल 6 को सिलेक्ट करके जो है यहाँ पर सिंपली गूगल कैमरा को यहाँ पर रीस्टार्ट करना होगा, तो सिंपली यहाँ पर जो है पिक्सल 6 को सिलेक्ट करके जीकेएम के यहाँ पर रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पिक्सल 6 को सिलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को हमने यहाँ पर रीस्टार्ट किया है, बट यहाँ पर जो मोशन का जो ऑप्शन है, जो मोशन का ऑप्शन से जो एक्शन पैन का ऑप्शन से जो लॉन्ग एक्सप्लोर का ऑप्शन से ऐड नहीं किया गया है, तो यहाँ पर इस बिल्ड के साथ जो है पिक्सल 6 का जो मोशन का ऑप्शन है अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर जो सेव लोकेशन का ऑप्शन से ऐड किया गया है, कैमरा का जो साउंड है आप यहाँ से बंद कर सकते हो। यहाँ पर गूगल लेंस का जो सजेशन है ऐड किया गया है। सोशल शेयर का ऑप्शन है, जहाँ पर डायरेक्टली जीकेएम से कोई भी 3 एप्लीकेशन के ऊपर फोटो को शेयर कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो सोशल शेयर का ऑप्शन है ये भी काम करेगा। प्लस गेस्ट को ऐड किया गया है, डबल टैप करके जो आप सिंपली जूम कर सकते हो। प्लस यहाँ पर जो है डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख पाओगे कितना मिनट का फोटो, कितना मिनट का वीडियो को आप क्लिक कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो इस सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं एडवांस सेटिंग्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट जो एचडीआर कंट्रोल है जो रॉ फोटोज का ऑप्शन से इनेबल नहीं रहते हैं, तो यहाँ पर जो है एचडीआर प्लस को भी ऐड किया गया है। प्लस जो है यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर प्लस जो है फोटो एंड वीडियो के ऊपर जो है फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन से ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो फोकस ट्रैकिंग है इनेबल नहीं रहता है, कॉलेज से जो है यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग को इनेबल करना होगा। प्लस यहाँ पर जो है रॉ फोटोज का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर इनेबल टाइम लैप्स फॉर यहाँ पर इनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर जो टाइमर लाइट का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो ये सभी जो ऑप्शन है पिक्सल 6 को सिलेक्ट करने के बाद हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है, काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं फ्रेम हिंट्स के बारे में, तो यहाँ पर जीकेएम 8.4 के साथ जो है फ्रेम हिंट्स को ऐड किया गया है। ग्रिड टाइप के ऊपर 3:3, 4:4 का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जो है व्हाइट बैलेंस को ऐड किया गया है। यहाँ पर जो एक्सपोजर है इसे भी ऐड किया गया है। व्हाइट बैलेंस के साथ जो है कलर टेम्परेचर को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसे भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो है कलर टेम्परेचर का जो ऑप्शन से काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है पिक्सल 6 सिलेक्ट करने के बाद ये जो व्हाइट बैलेंस का ऑप्शन से काम करेगा। एंड यहाँ पर जो है ऑटो नाइट साइट मोड को ऐड किया गया है। बाय डिफॉल्ट जो है ऑटो नाइट साइट मोड जो है इनेबल नहीं रहते, तो सिंपली इसे इनेबल करने के बाद जो है यहाँ पर आपको जो है कैमरा के ऊपर प्लस जो है यहाँ पर वीडियो पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है ऑटो नाइट साइट मोड देने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है ऑटो नाइट साइट मोड काम करेगा। तो यहाँ पर जो है आप कैमरा प्लस जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है ऑटो नाइट साइट मोड जो है वो काम भी करते हैं, काफी बढ़िया बात है। बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन से इनेबल नहीं रहते, आपको जो है सिंपली सेटिंग्स में जाके ऑटो नाइट साइट मोड को इनेबल करना होगा। जो है सेफ सेल्फीज एस प्रीव्यू का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। जो मिरर फोटोज का ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। प्लस यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है बिल्ड के ऊपर। प्लस जो है ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। तो सिंपली ये जो ऑडियो जूम का ऑप्शन है इसे यूज करके जो है वीडियो के ऊपर जो है आप सिंपली जो बैकग्राउंड के ऊपर जो नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर ऑडियो जूम का जो ऑप्शन है इसे अगर आप यूज करोगे तो काफी बढ़िया बात है। सभी ऑप्शन को ऐड किया गया है। ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आपको जो यहाँ पर प्योर जीकेएम 8.4 का जो एक्सपीरियंस देने को मिलेगा इस गूगल कैमरा के साथ। तो डेफिनेटली जो जीकेएम है टैग करके देखो आपके फोन के ऊपर। तो इस जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वापस जाकर इस गूगल कैमरा को आपके फोन के ऊपर ट्राई करके देखो। यहाँ पर रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 10 प्रो, पोको फोन, उसके साथ साथ यहाँ पर पोको X3, MI A2 सभी डिवाइस के साथ इस गूगल कैमरे को हमने यहाँ पर इंस्टॉल करके ट्राई करके देखा है। सभी डिवाइस के साथ जीकेएम में काम कर रहा है। एंड यहाँ पर वन प्लस, सैमसंग, रेडमी, शामी, पोको, MI ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के साथ ये जो जीकेएम में काम कर जाएगा फॉर श्योर। तो डेफिनेटली ये जो जीकेएम में ट्राई करके देखो। प्लस जो मॉनिटर का ऑप्शन है ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो है सिस्टम यूआई के ऊपर हमने जो है इस कलर को सिलेक्ट किया है, ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर ये जो कलर है गूगल कैमरे के ऊपर अप्लाई हो गया है, काफी बढ़िया बात है। तो एंड्रॉइड 12 के साथ जो है वॉलपेपर बेस्ड थीमिंग सिस्टम और जो वॉनट का ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो डेफिनेटली इस जीकेएम को ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। यहाँ पर कैमरा टाइप अवेलेबल होना चाहिए एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12 के साथ जो जीकेएम में काम करेगा। एंड यहाँ पर रेडमी, शाओमी, पोको ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर जो जीकेएम में काम करते हैं, स्नैपड्रैगन डिवाइस पर काम करेगा। प्लस मीडियाटेक एंड एक्सिनोस डिवाइस को आप ट्राई करके देखो। एंड अगर आपके डिवाइस के ऊपर जो जीकेएम में काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आप गूगल कैमरा का और कोई वर्सन को ट्राई करके देखो। एंड सिंपली जीकेएम का जो प्लेलिस्ट है वापस जाके आप डिफरेंट गूगल कैमरा का जो वर्सन है आप ट्राई करके देख सकते हो आपके फोन के ऊपर। एंड फोटो सैंपल कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोल दीजिएगा। एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन से काम करेगा। यहाँ पर नाइट मोड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है रेडमी नोट 7 डिवाइस के साथ जो है नाइट मोड काम करेगा। प्लस यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड भी काम करता है। यहाँ पर जो फोटो की क्वालिटी है काफी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा यहाँ पर फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो है ढेर सारे जो है यूजफुल ऑप्शन को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है।
प्लस यहाँ पर जो है ऑटो नाइट सेट मोड का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। यहाँ पर जो है सीरीज मेन्यू के ऊपर जो है मॉडर्न का जो ऑप्शन से अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर जो है जीकेएम के साथ जो है मॉडर्न का ऑप्शन से अप्लाई होगा, बट यहाँ पर सीरीज मेन्यू के साथ जो है जो मॉडर्न का जो ऑप्शन से अप्लाई नहीं होता है, तो यहाँ पर HDR प्लस को भी ऐड किया गया है तो ऐसे भी ऑप्शन से। प्लस वीडियो के ऊपर जो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन से वो भी काम करेगा, तो यहाँ पर देख सकते हो जो है नॉर्मल जो वीडियो के ऊपर जो फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन से भी काम करेगा, तो यहाँ पर फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से वीडियो के ऊपर भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो है पिक्सल टू एक्सल सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो फोकस रिंग का ऑप्शन से काम कर चुका है। नेजुजी कैमरे काफी फास्ट देख सकते हो, यहाँ पर जो गूगल कैमरा है काफी फास्ट है, बहुत ही फास्ट जो है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन को हम स्विच कर पा रहे हैं। प्लस यहाँ पर जो नाइट मोड की UI है, प्लस जो पोर्ट्रेट मोड की UI है, कुछ इस तरह सबको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी वो भी काफी बढ़िया है, तो डेफिनेटली इस कैमरे को ट्राई करके देखो आपके फोन के ऊपर। एंड इस गूगल कैमरा का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस यहाँ पर जो सेप का आइकॉन है इसे भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर जो इस ऑप्शन को भी ऐड किया गया है इस बिल्ड के ऊपर। यहाँ पर जो नाइट मोड है और जो नाइट सेट मोड है इसे भी ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड प्लस कैमरे के ऊपर जो नाइट सेट मोड है ये भी काम करेगा। एंड यहाँ पर HDR NSFM का जो ऑप्शन है इसे यहाँ पर नाइट मोड को भी ऐड किया गया है, तो यहाँ पर नाइट मोड के साथ जो है HDR फ्रेम्स को आप इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप HDR फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट आपको फोटो के ऊपर काफी अच्छा क्वालिटी देने को मिलता है। तो डेफिनेटली जो जीकैम है काफी स्टेबल है, यूनिवर्सल जीकैम है, तो सभी डिवाइस के साथ जो जीकैम है काम कर जाएगा। तो ये जो गूगल कैमरा है ट्राई करके देखिए आपके फोन के ऊपर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल सेट कर दीजिएगा। गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।